नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं थीम्स के बारे में। यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स मिल जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे नए नए स्टाइलिश थीम्स हैं। कुछ थीम्स ऐसी हैं जो काफ़ी स्टाइलिश हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। आपको वो डाउनलोड करना है जैसे कि जहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे फ्री, यहाँ प्रीमियम, जो प्रीमियम है वो आपको ख़रीदना होगा जहाँ, और यहाँ पे फ्री भी मिलता है, जो फ्री है उसको आप डाउनलोड कर लेंगे और अपने फ़ोन में लगा लेंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर पे। देखिए अब हम आ चुके हैं यहाँ पे प्ले स्टोर पे, यहाँ पे लिखना है थीम, तो मैं यहाँ पे थीम से लिखूँगा। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम्स दिखाई दे रही हैं, नए नए स्टाइलिश थीम्स, तो उसमें से मैं एक ओपन कर लेता हूँ, जो मेरा रेडमी का है वो मैं ओपन करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे नए नए स्टाइलिश थीम मिल जाए। अब देखिए यहाँ पे आ चुका हूँ मैं बिल्कुल फ्री, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सारा फ्री है। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारे नए नए स्टाइलिश थीम मिल जाता है। कार्टूनी चाहिए, लव थीम चाहिए, सैड थीम चाहिए आपको, आप इसका वॉल पे थीम बना सकते हैं। नए नए आइकन से आप यहाँ पे नए नए आइकन लगा सकते हैं, आप स्टाइलिश आइकन से आपका जो यहाँ पे आइकन होता है एप्लीकेशन का डिज़ाइन है वो सारा चेंज हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे वॉलपेपर का भी ऑप्शन मिलता है, मैं दिखा देता हूँ। देखिए अब आप यहाँ पे अपने वॉलपेपर लगा सकते हैं, अपने मनपसंद वॉलपेपर लगा सकते हैं, इस तरीके से देख सकते हैं। ये सारा वॉलपेपर बिल्कुल फ्री है, आपको यहाँ पे यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको सेव कर देना है, होम पेज पर लगा सकते हैं या लॉक स्क्रीन पर लगा सकते हैं। ये सारी स्टाइलिश थीम आपको प्ले स्टोर पर डाउनलोड करके मिल जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे अच्छे यहाँ पे थीम्स दिए गए हैं, आपको अपने मनपसंद थीम्स ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।